के अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत। हम लोग पिछले वीडियो में ग्लोब से परिचित हो चुके हैं, इसमें हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि पृथ्वी की संरचना में जितने हम लोग जानकारी हासिल करते हैं उसमें अगर देखा जाए तो काल्पनिक रेखाओं का योगदान काफी है। उसी काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश और देशांतर काफी महत्वपूर्ण है, उस पर आज हम लोग विचार करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। आते हैं हम लोग, ये पृथ्वी है, काल्पनिक है, इसके ठीक बीचों बीच यह रेखा है, यह है जीरो डिग्री रेखा, जीरो डिग्री रेखा। ये जीरो डिग्री रेखा, इस पहला चीज तो यह देखना है कि भूगोल की जानकारी लेना है तो हमेशा यह माथे में रखना है कि यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। तो जैसे हमने जीरो डिग्री डाला, यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि जीरो डिग्री डालने के बाद ये दो पार्ट में बट गया, उत्तर और दक्षिण। तो जीरो डिग्री के उत्तर उत्तरी अक्षांश और जीरो डिग्री के नीचे दक्षिणी अक्षांश, उसमें जितनी भी लाइनें अब खींची जाएंगी इसके समानांतर होंगी। कैसी होंगी? समानांतर। समानांतर में ये कहीं भी किसी भी रेखा को टच नहीं करेंगे। ऊपर की ओर है इसलिए उत्तरी अक्षांश। ये जब कभी भी लिखा जाएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस करते करते 90 तक, 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है इसको संकेत में उत्तर या फिर नॉर्थ, उत्तर या फिर नॉर्थ, जो आप लिखें इसको लिख सकते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश। फिर यही चीज अगर नीचे की ओर हो यही लाइन, तो यहाँ पर हो जाता है ये कोई भी लाइन एक दूसरे से मिलेगी नहीं, ये क्या हो गया साउथ यानी कि दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ। इसके नीचे एक दो तीन करते हुए ही ये भी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा 90 तक। इसमें इसको संकेत के लिए लिखा जाता है दक्षिण या फिर साउथ, दक्षिण या फिर साउथ। ये रेखाएं जीरो डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश, जीरो डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश, हमेशा ख्याल रखना है। इतने के बाद हम लोग देखते हैं ये किसी भी समय किसी भी रेखा को छुई नहीं, ये पूर्व से पश्चिम है या फिर पश्चिम से पूर्व खींची हुई रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखा के बारे में अभी तक हम लोग दो चीज को कंप्लीट किए कि जीरो डिग्री रेखा अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में, पूरे गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है, जीरो डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश और जीरो डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश। इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, वो कहीं भी किसी भी रेखा को काटती नहीं है, सारी समानांतर है। अब विषुवत रेखा के केंद्र से, विषुवत रेखा के केंद्र से जितने भी स्थान पर अगर दूरी देखा जाए, उसकी स्थिति देखा जाए, तो इसको बताने वाला ये विषुवत रेखा एक संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा संदर्भ बिंदु है, इसका अर्थ कि यहीं से पृथ्वी के केंद्र से बनने वाली कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के केंद्र से बनने वाली कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए इस फिगर में, यह जो है ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी धरती क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हमारा ये शो करता है पृथ्वी। तो उसमें यहाँ से ये कोण तैयार होता है और जाकर के ये सर्किल पे हमारा कोणात्मक दूरी जो है वो पूरे अक्षांश
रेखा को समझाता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि यह जो दूरी है वो कैसे गोलाकार रूप में, वृत्तीय आकार रूप में दिखाई देने लगती है। विषुवत रेखा हमारी संदर्भ बिंदु है, इसी संदर्भ बिंदु से जितने भी कोणात्मक रेखाएं हैं उनका जो तैयार होता है रेखा, वो एक वृत्त के रूप में तैयार होता है। सबसे बड़ा वृत्त यही जीरो डिग्री पर बनता है। सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनता है? जीरो डिग्री पर। अन्य वृत्त हम लोग देखते हैं कि आगे की ओर छोटे होते जाते हैं। ये समानांतर है पर कैसे है? ये वृत्त जो है हमारे समानांतर दिखाई दे रहे हैं, यानी कहीं किसी को टच कोई भी रेखा नहीं कर रही है, लेकिन यह सबसे बड़ा वृत्त दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे जीरो डिग्री से उधर चलेंगे तो इससे कम, इससे कम, इससे कम, और एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पॉइंट के रूप में ये हमको मिलता है नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर यही जीरो डिग्री से एक डिग्री मान लिया जाए तो एक डिग्री तक की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब पृथ्वी पर कुल काल्पनिक कितनी अक्षांश रेखाएं हैं इसको जानने के लिए हम लोग इस फिगर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जीरो डिग्री विषुवत रेखा एक रेखा हो गई, ये जीरो डिग्री विषुवत रेखा, इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं हम लोग 1, 2, 3 करके 90 तक गिने थे, तो ये 90 उत्तरी अक्षांश, और जीरो डिग्री से ठीक 1, 2, 3, 4, 5 करके 90 तक आए थे, तो ये 90 दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं, और प्लस एक ये भी तो रेखा है जीरो डिग्री, तो इस जीरो डिग्री को हम लोग भूले कैसे, इसको भी यहां लिखेंगे जीरो डिग्री। अब काउंट करेंगे तो 90, 90, 180 और एक जीरो एक रेखा, ये 181, ये जीरो नहीं है, जीरो में शून्य नहीं, या एक रेखा विषुवत रेखा, तो ये मिलाकर के कितना हो गया कुल 181। लेकिन कुछ भूगोल वेत्ता कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पॉइंट में तब्दील हो गया है, वहां कोई भी क्षेत्रफल नहीं बनता है, इसकी वजह से यह क्या हो गया, यह रेखा नहीं है। तो 181 जो हमारा टोटल आया उसमें दोनों 90 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी दो रेखा जब घटा देंगे तो यह हो जाएगा 179, यानी 179। तो कहने का अर्थ यह कि अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश तो हमारे 181 हो गए ये, और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो वैसी स्थिति में बस यही डिफरेंस है अक्षांश और अक्षांश रेखाएं, अक्षांश हमारे 181 हैं और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 179 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं काल्पनिक सारी स्थितियां हैं, लेकिन यह वास्तविक चीज है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है इसका प्रभाव इस अक्षांश पर काफी पड़ता है, वो उसी की वजह से सारा कुछ होता है, जितना भी दिन हो रहा है, रात हो रहा है, या फिर घूर्णन हुआ, या फिर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का सूर्य ताप हुआ, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, जिसे हम लोग अगले फिगर में देखते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो यहाँ झुकी हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर इसको गोला मान लिया जाए तो यह इसका व्यास हो गया और यह हो गया 90 डिग्री का कोण। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे ये 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है धरती हमारी, तो यहां से यहां ये
झुका हुआ पार्ट है, झुका हुआ पार्ट जो है वो पूरा साउथ पोल तक है। अब जब इन्हीं रेखाओं का खेल है पूरा, किस तरह से सूर्य का जो प्रकाश है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा इनके बीच ही रहती है। वो क्या होता है कि यह जो संदर्भ बिंदु हमने खींच रखा था यहीं से इसी के कॉर्नर से शुरू हो जाएगा, ये 23.5 डिग्री लिखा और यह हो जाता है इसका बीच वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है हमारा 0 डिग्री, ये हो जाता है 0 डिग्री, ये आ जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण। अब इन रेखाओं का इतना महत्व है, हमारी जो धरती है वो कक्ष तल से यहाँ पर अक्ष से 23.5 और कक्ष तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई, कितनी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ये जीके में भी आते रहता है, जब कभी भी क्वेश्चन होता है जीके का उसमें कि अक्ष से अपनी धरती कितनी झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, कक्ष तल से कितनी है तो 66.5 डिग्री। तो यह जो रेखाओं में ये जो संख्या है यह बताती है कि इसके बीच से इक्वेटर हो गया और इसका जो ये कॉर्नर था यहाँ से ये हो गया कर्क रेखा और इसके कॉर्नर से आ गया ये हो गया मकर रेखा, यानी सूर्य जो है इतना ही दूर में बस प्रभाव अपना सीधा देता है, सूर्य का प्रकाश सीधा आता है, यही वजह है कि यह जो पूरा क्षेत्र है काफी गर्म होता है। तो इसको पिछले ही हम लोग शब्दों में जान चुके कि इसको कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना क्षेत्र इतना गर्म होता है कि उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसको आगे हम लोग और स्पष्ट से समझेंगे, अभी हम लोग जाने कि इन रेखाओं का क्या क्या महत्व है। अब आगे जो रेखा होगी क्या हो गया, इसको नाम मिला हुआ है 0 डिग्री विषुवत रेखा, यह रेखाएं काफी महत्वपूर्ण है इसलिए इनको याद कर लेना है कि 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, कौन सी रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा, अब 23.5 का वैल्यू हम लोग जान लिए। 66.5 की बात जो आती है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। सभी वृत्त का रूप ले लेते हैं जैसा कि हम लोग पीछे भी देखे, तो इसलिए इनको रेखा या वृत्त दोनों से इंगित किया जाता है। और नीचे वाला जो 66.5 डिग्री होगा ये हो जाता है, इसको क्लीन कर दो, रेखाओं को हमेशा याद रखना है, अक्षांश कोई पूछे 181 और रेखाएं 179, इसको मैंने क्लीन कर दिया इसको जानने के लिए। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त या रेखा के नाम से जाना जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आएगा 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव, किस नाम से जाना गया उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। तो 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव
या साउथ पोल। यह रेखाएं काफी महत्व की हैं, इनको याद कर लेना है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। इसको हमेशा याद रखना है, ये आगे भी काम करेगा। और यह भी जानना है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो एरिया दिखाई दे रहा है इनको कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग ये जाने कि ये काफी महत्व की रेखाएं हैं, इनको याद कर लेना है। एक बार फिर से एक हल्की झलक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद ये दो पार्ट में हो गया, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में हम जब 1, 2, 3, 4 करते हैं तो ये 90 तक हम पहुंचते हैं, और 90 तक पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि 1 डिग्री का जो दूरी आता है यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक, वो 111 किलोमीटर का आता है, 111 किलोमीटर का, ये हमेशा ख्याल रखना है। और दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ये इतनी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। और आगे हम लोग या जो कोणात्मक दूरी की बात हम लोग किए थे, केंद्र या केंद्र है पृथ्वी का केंद्र, यह एक संदर्भ बिंदु का काम करता है। किसी भी स्थान का जब हम लोग ज्ञात करते हैं दूरी तो यह संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है। आगे हम लोग अब देशांतर को जानेंगे, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। अक्षांश को समझ लेने के बाद अब हम लोग देशांतर रेखा को समझ लेंगे। देशांतर ये हमारी पूरी पृथ्वी, ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई और यहां पर हो गया उत्तरी ध्रुव, यहां पर हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। यहां से एक लाइन दिखाई दे रही है, ये है प्राइम मेरिडियन, इसको भी 0 डिग्री माना गया है। तो 0 डिग्री ये 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री जिस जैसे हमने डाला ये दो पार्ट में हो गया, इधर का पूर्व भाग और इधर का पश्चिमी भाग। इसको अब इसको एक गोला मान लिया जाए तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट कर लें कि 0 डिग्री डालने के बाद ये दो हिस्से में बट गया यानी गोलार्ध में हो गया। जिस तरह से अक्षांश में हुआ था उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरह से अब देखते हैं देशांतर में तो ये हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध में जितनी रेखाएं हैं इसको पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है, और ये रेखाएं जो पश्चिम है इसको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जितनी भी रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण खींची हुई है। कैसे खींची हुई है? उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को खींची हुई है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को है यानी एक पॉइंट से ये सारी रेखाएं कहाँ गई हुई है, ये सारी रेखाएं 0 डिग्री पर यहाँ मिल गई है, यानी ये अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं है बल्कि एक दूसरे को क्या करती हैं, ध्रुवों पर छूती हैं। तो ध्रुवों पर जो छू रही हैं तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं सभी की सभी रेखाएं ध्रुवों पर छूती हैं।
और बीच से विषुवत रेखा अगर यहाँ पर लगा दी जाए, विषुवत रेखा इसलिए बना दी कि ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो कि ये सारी रेखाएं जो उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक खींची गई हैं, ये ध्रुवों पर इनकी दूरी अधिक है और यही जाते 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 ध्रुव की ओर ये कम कम होते होते बिल्कुल न्यून यानी खत्म पॉइंट सा रह जाता है। यानी कि यहाँ पर ये यह जो दूरी है इसमें यह काफी अधिक है यहाँ, और ऊपर की ओर कम होते होते जीरो है। यहाँ पर जो दूरी पाई जाती है वो पाई जाती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, ये सबसे अधिक विषुवत रेखा पर ही दूरी पाई जाती है। उसके बाद यह दूरी समान नहीं रही, असमान होते 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 कम होते होते बिल्कुल जीरो। अब समस्या ये खड़ी हुई कि सारी रेखाएं तो एक समान है, सारे को हम लोग देख रहे हैं तो सही में वास्तव में एक समान नजर आ रही है, किस रेखा को प्रधान माना जाए? तो प्रधान मानने के लिए 1884 में क्या होता है कि पूरे जितने भी विकसित देश थे उन सबों की एक मीटिंग होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि आखिरकार किस देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं तो ठीक है, लेकिन अध्ययन के लिए किस रेखा को प्रधान माना जाए, क्योंकि सारी रेखाएं तो एक समान है। तो मीटिंग के दौरान यह निर्णय हुआ कि जो रेखा इंग्लैंड से होते हुए गुजर रही है, यह इंग्लैंड से होते हुए गुजर रही है, उसी रेखा को प्रधान माना जाए। कारण यहाँ पर एक वेधशाला है इंग्लैंड में, वो ग्रीनविच नामक स्थान पर है, तो ग्रीनविच वेधशाला, और ये लाइन सारी जगहों से होते हुए विश्व के कई जगहों से होते हुए आई है, लेकिन यह जो था वो प्रधान एरिया था इसलिए इसी के नाम पर यह ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानी जाती है और इसी को प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता मान लिया गया है। कब माना गया है? 1884। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये प्रधान मध्यान रेखा, प्रधान मध्यान रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा या प्रधान या म्युत्तर या प्रमुख या म्युत्तर रेखा के नाम से जानी जाए। इसके कई नाम है, प्रधान मध्यान रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रमुख या म्युत्तर रेखा, इसी को इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ये जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री प्रधान मध्यान रेखा। अब इस जीरो डिग्री से, चूंकि यह एक गोला है तो जीरो डिग्री से लेकर के पूरा 360 डिग्री इसमें पाया जाएगा, तो 360 डिग्री चूंकि यह एक गोला दिखाई दे रहा है, तो गोला दिखाई दे रहा है तो 360 डिग्रियां होना निश्चित है। तो 360 डिग्रियों के लिए हम लोग जीरो के पास से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनते गिनते और 180 जो इसके पीछे वाली रेखा है वो गोले के पीछे अगर हम लोग पहुंचेंगे तो 180 आएगा, तो 180 तक यहाँ से काउंट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते 180 तक हम लोग पहुंचते हैं। तो 180 डिग्री इधर की पूर्वी भाग की और 180 डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते करते 180 यहाँ की, ये मिला करके हमारा कितना हो गया 360। लेकिन आप क्वेश्चन करोगे कि जीरो को मैडम उसमें हम लोगों ने गिना, इसमें क्यों नहीं गिनेंगे? तो उसको भी गिनेंगे। तो यहाँ पर हम जीरो लिख लेते हैं, जीरो डिग्री, तो ये मिल गया हमको कितना 361। लेकिन बात यह है कि जीरो डिग्री के बाद 1, 2, 3, 4 करते करते जब 180 तक हम लोग पहुंचते हैं तो कोई भी गोलाई का पार्ट जब करेंगे तो उसके किनारे एक ही है, यानी 180 जो डिग्री है वो ईस्ट में भी गिनी जाती है
और 180 डिग्री वेस्ट में भी। तो इसका अर्थ है कि दोनों ही रेखाओं को तो एक साथ लिया जाए तो दो रेखाएं एक होते हुए भी दो हो गई हैं, यानी कि इसमें से क्या करेंगे माइनस वन कर लेंगे, ये हो गया 360 डिग्री। क्लियर हुआ? 180 डिग्री जो रेखा है वो दो बार काउंट होती है, एक बार ईस्ट में भी और एक बार वेस्ट में भी, जबकि ये दोनों ही रेखाएं क्या है एक है, इसलिए वहां से एक हटा लिया गया और ये हमको मिल गया 360, यानी देशांतर हमको कितने हैं 360 डिग्री है। तो 0 डिग्री रेखा को कहा गया है मानक समय रेखा क्योंकि वो समय के लिए है, और 180 डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बहुत बखूबी से समझेंगे। तब तक एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। ये कहीं भी एक समान दूरी वाले नहीं होते हैं। इनके दूरी में क्या आते जाता है, यानी कि विषुवत रेखा पे ये सबसे चौड़ी 111.32 किलोमीटर और ऊपर जाते जाते कम होते होते बिल्कुल शून्य में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद एक चीज और है, इसके बीच की जो दूरी है यह जो दूरी है यह गोरे नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गोरे। अक्षांश में समझे थे कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध, और यहाँ पर दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। और पूरा जो डिग्रियां है इसमें वो 360 डिग्री है, इसको क्लियर हम लोग समझ लिए कि 0 डिग्री भी काउंट होता है, लेकिन 180 दो बार होने की वजह से 180 में एक घटा लिया जाता है और 360 डिग्रियां हमारी हो जाती हैं। इस तरह से ये हम लोग अच्छे से समझ लिए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर जब दोनों ही रेखाएं एक साथ मिलती हैं तो वैसी स्थिति में ये एक रेखा जाल बना देती है। रेखा जाल जब बनाती है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह ये स्थिति उभर के सामने आता है। जब यह स्थिति उभर के सामने आती है तो इसको हम लोग देखना है कि एक जाल की तरह हो गया। तो जाल की तरह जब बन जाता है तो इसको नाम दिया जाता है भौगोलिक प्रक्षेप, प्रक्षेप या फिर ग्रिड, ग्रिड या प्रक्षेप के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हम लोग इमेज में समझ लेते हैं, इसको तब तक क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ इमेज में हम लोग इसको जान लेंगे कि किस तरह से ये ग्रिड के रूप में दिखाई देता है। ये पूरी ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये ऊपर से नीचे जो रेखा दिखाई दे रही है जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये देशांतर, और ये गोल वाले जो दिखाई दे रहे हैं वृत्तीय आकार में ये अक्षांश रेखाएं। तो यह एक ग्रिड का रूप प्रस्तुत करती है प्रक्षेप, जिसको मैंने हाथ से यहाँ बनाया। तो यह एक रेखा जाल है पृथ्वी पर, काल्पनिक काल्पनिक रेखा जाल है जो हमारे अध्ययन के लिए काफी सहयोग करता है। और इसको हम लोग विस्तार से इस लाइन को यहाँ से ये देख रहे हैं आप लोग, ये 0 डिग्री देशांतर और ऊपर का है 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी संरचना यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के द्वारा यहाँ एक जाल बन गया है, और ये जाल प्रक्षेप या ग्रिड के नाम से जाना जाता है। इस मानक समय को और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तब तक आप अध्ययनशील रहें, अध्ययन करते रहें। जय हिंद।